जिसमें आज सारे बिजनेसेस फोकस कर रहे हैं उम्मीदें बहुत सारी हैं इस सेक्टर से आने वाले दिनों में तो आज हमारे साथ एक ऐसे ही विशेषज्ञ हैं जिनका सिर्फ भारत में नहीं बल्कि जिनका बहुत सारे देशों में बहुत सारे नेशनलिटीज के साथ काम करने का एक्सपीरियंस एक है इस सेक्टर में जी हाँ आज हम बहुत सारे करियर रिलेटेड बहुत सारे बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर करेंगे क्या आउटलुक है इस सेक्टर का क्या अपॉर्चुनिटीज है आपको उन कौन सारी चीजों की ध्यान रखनी चाहिए चलिए देखते हैं आपसे आज मिलकर बहुत ही अच्छा लगा पहले आप अपने तो ये बहुत अच्छा आपकी कैसी रही? आपकी कैसी रही? आपने कैसे कैसे जॉब रोल्स में काम किए या फिर आज के डेट पे एक रेलिवेंट ट्रैक पे आने के लिए रिन्यूएबल एनर्जीज में आने के लिए आपका कौन सा बेस्ट पाथ होगा थैंक यू अनुपम मुझे इन्वाइट करने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके मुझे एंड इट्स एन ऑनर टू बी एबल टू प्रेजेंट माई जॉब एक्सपीरियंस हेयर और आठ साल का जर्नी रहा है मेरा uh, तो इंडिया में बोलते हैं पहले हम इंजीनियर कर लो uh, थ्री इडियट्स करके एक बहुत ही फेमस मूवी रही है जहाँ पे फरहान uh, जब जन्म लेता है तभी उसके पापा बोलते हैं ये इंजीनियर बनेगा तो मेरा भी वैसा ही किस्सा रहा था पहले तो आई ग्रेजुएटेड इन 2012 थाउजेंड ट्वेल्व एज in इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग तो मैं आई टी में था uh, क्या बोले मम्मी पापा का सपना पूरा कर रहा था मेरा बेटा इंजीनियर बन गया एंड ऑल दैट बट एट द बैक ऑफ माई माइंड आई हैव ऑलवेज हैड सॉर्ट ऑफ अ बेंट टू फॉर बिजनेस एक क्वेश्चन आया कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ लेकिन आई फॉलो द पाथ जो करते हैं लोग uh, बी टेक के बाद तंग आ जाता है अपने सैलरी से फिर करते हैं एम बी ए ठीक है चलो मैंने भी एम बी ए कर लिया आई पास आई एफ टी एंट्रेंस एग्जाम वहाँ पर जाके बैठ भी गया दो साल गुजार लिए बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू आर लुकिंग फॉर योर पर्पज इन लाइफ कि ठीक है इतना सब कुछ कर लिया पर आई वॉज नॉट इन्जॉय आई है टिल नाउ इन्जॉय uh, नहीं इंजॉय किया बोलना गलत होगा बेटे इंजीनियर हूँ जहन से इंजीनियर ही हूँ तो अच्छा लगता था काम बट कहीं पे दिल में रहता था अरे रह, क्यों कर रहे हैं ये सब क्या चाहिए मेरे व्हाट इज़ माय एंगेजमेंट इन लाइफ एंड व्हाट इज़ माय वो क्या कहते हैं कॉलिंग इन लाइफ तो तब टू uh, थाउजेंड में येस yes बैंक ने एक कंपिटिशन uh, लॉन्च किया फॉर प्रोमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया दे वॉन्टेड टू आस ऑल द टॉप बी स्कूल्स कि आप आओ हमें एक सोल्यूशन दो कि हम कैसे इंडिया का जो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है और ये जो रिन्यूअल में हम शिफ्ट करना चाहते हैं वो कैसे करें तो हमने प्रेजेंट किया एम के एक हाई रैंक एम इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूबल एनर्जी तो ही वाज पार्ट ऑफ द जजिंग पैनल तो हमने एक प्रेजेंट भी किया दैट इज पार्ट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट दैट वॉट पार्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इज आई डेवलप्ट लाइकिंग फॉर रिन एनर्जी पर्टिकुलरली सोलर एनर्जी तो जैसा सबको पता है कि एम का क्या मकसद होता है एम का मकसद मैं नाइन्टी नाइन परसेंट ऑफ द टाइम्स होता है कि एक अच्छा जॉब चाहिए एक अच्छी नौकरी चाहिए सी लाइफ सिक्योरिटी चाहिए पैसा चाहिए सिंपल पर आई हैड फाउंड माई कॉलिंग इन लाइफ सो आया तो देन इन टू थाउजेंड सेवेंटीन दियरिंग कैम्पस प्लेसमेंट आई जॉइंड वन ऑफ द लार्जेस्ट मैनुफैक्चर ऑफ सोलर पैनल्स इन इंडिया सो टू थाउजेंड सेवेंटीन मे आई स्टार्टेड एंड आई स्टार्टड इनिशियली एज पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस डेवलपमेंट टीम बहुत सारे कंट्रीज भी घूमे बहुत सारे इवेंट्स में हम गए आई स्टार्ट नोइंग मोर अबाउट द इको सिस्टम कि रिन्यूएबल कैसे चलता है अभी तक मुझे पता था कि रीन्यूबल से हम ये क्या क्या कर सकते हैं पर अभी मुझे पता चला कि ये पूरा सेक्टर कैसे चलता है आई इंटरेक्टेड विद पीपल फ्राम ऑल ओवर द ग्लोब आई थिंक इन माई फोर एंड हाफ ईयर्स Uh, तीन साल में पहले आई में था अभी ऑलमोस्ट पाँच साल होने को रिन्यूएबल्स में तो आई हैव इंटरेक्टेड एटलीस्ट ऑफ पीपल फ्रॉम हंड्रेड प्लस कंट्रीज एट द बेसिक मिनिमम तो उनका थॉट प्रोसेस क्या है उनके कंट्री का क्या सिचुएशन है ये रिन्यूएबल का फोकस कहाँ पे है उनका फ्यूचर कहाँ पे, ये सेक्टर कहाँ पे जा रहा है आई हैव आई से आई वोंट हैव द बेस्ट आइडिया इन द वर्ल्ड बट आई हैव सम आइडिया अबाउट इट तो मेरा जो दूसरा सवाल है आपसे वो ये रहेगा कि ये रिनुएबल एनर्जी की जो पूरी सेक्टर है इसका जो पूरा इकोसिस्टम है ये वैल्यू चेन जो बोलते हैं जिसे हम ये कहाँ से शुरू होता है कहाँ से खत्म होता है ये कैसे कैसे कंट्रीज में ज्यादा है या कम है या इंडिया कहाँ आती है वहाँ इसका जो पूरा आउटलुक है सेक्टर का आपको क्या लगता है इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं थिंग इज इज ये रिन्यूएबल ह्यूज डोमेन तो इसमें विंड भी है इसमें सोलर भी है इसमें बैटरीज भी है अभी नए नए ऐसे भी आ रहे हैं जैसे बायोगैस भी है जो हमने सोचा भी नहीं था अभी नया नया इस रोबस्ट टेक्नोलॉजी एज़ वेल कि सोलर में भी अगर मैं कहूँ जिसमें मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा रहा है तो हर दिन टेक्नोलॉजी चेंज होता है अगर मेरे बहुत सारे दोस्त जो आई में हैं आज जावा सीख रहे हैं फिर पाइथन सीख रहे हैं हम भी क्या कर रहे हैं हम भी थ्री बस बार टेक्नोलॉजी में थे अभी हम टेन बार बस बार टेक्नोलॉजी में आ गए हैं वो क्या होता है मैं आता हूँ उसमें बट एक्सपीरियंस इज द सेम यू आर लर्निंग एवरी डे यू आर लर्निंग अ न्यू थिंग एवरी डे एंड मजा उसमें आता है एंड स्पेशली फॉर मी हु गेट्स टू इंटरेक्ट विद पीपल फ्रॉम इंटरनेशनल एक्सपीरियंस इज इट्स इट्स अ ग्रेट जॉब स्टार्टिंग की ये इको सिस्टम कैसा है सो आई फोकस प्राइमरली ऑन सोलर बट द कंट्रीज आई एल बी नेमिंग विल हैव अ मोर ऑल लेस सेम इम्पैक्ट ऑन द अदर रिन्यूएबल एस्पेक्ट्स लाइक विंड बैटरीज एंड एवरीथिंग तो पहले आते हैं रिन्यूएबल सेक्टर के थोड़ा सोलर सेक्टर के बारे में थोड़ा बताते हैं तो सोलर सेक्टर अभी जब तक मुझे पता है ऑलमोस्ट थ्री हंड्रेड ऑफ सोलर इंस्टॉलेशन है अभी दुनिया में तो पहले आ, सोलर का प्रचलन स्टार्ट हुआ था सोलर सेल जो बना था जो बेसिकली सूरज की एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में पैदा करता है अराउंड नाइनटीन सिक्सटीज़ में एक सोलर सेल बना था पर उसका एफिशिएंसी एफिशिएंसी मतलब जितना सन का रे गिरता है कंपेयर टू दैट कितना परसेंट वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकता है वो बहुत छोटा था अभी फिर रिसर्च हुआ रिसर्च हुआ अराउंड टू थाउजेंड्स में वो जाके एक कमर्शियलाइज होने के एफिशिएंसी लेवल पे आ गए मतलब वो हम बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं उसके ऊपर एक बिजनेस मॉडल कोई बना सकता है फिर कंपनीज कंपनी कर सकती है फिर इको बन सकता है उसका तो फिर टू में एक सेल बना तो इसमें लीड कौन कर रहा था एज़ यूजल हमारे वर्ल्ड में जो होता है वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ आर लीडिंग दैट जर्मनी टू बी इन पर्टिकुलर बहुत बहुत आगे थे वो लोग उन्होंने पहला सोलर मॉड्यूब उन्होंने ही बनाया कि किस फॉर्मेट में होगा कैसा स्ट्रक्चर रहेगा कि घर पे घर पे वो इंस्टॉल कर कर सके या बड़े बड़े फील्ड्स में लगा के प्रोजेक्ट बना के वो आ, अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर उनको दे सकते हैं और फिर एक इलेक्ट्रिसिटी पूरा घर पर जा सकता है जो हमारा करेंट सिस्टम फिर तो एक इकोसिस्टम बनाया कि जो करेंट इकोसिस्टम है उसमें वो जोड़ सके तो यही सिस्टम अभी तक चल रहा है देन आते हैं तो जर्मनी ने लीड नहीं आ उन्होंने गीगा वॉर्ड्स ऑफ गीगा वॉर्ड्स ऑफ सोलर लगा दिए बट 2010 अराउंड 2010 द मोमेंटम स्टार्टेड शिफ्टिंग टू द मैन्युफैक्चरिंग जैंट कंट्री विच वी कॉल चाइना तो अभी भी छड़ी घुमा रहा है वो पूरे सोलर मार्केट में और इतना उसका दबदबा है कि सोलर का एक, एक पंख इधर से उधर होता है तो चाइना को पहले पता चलेगा उसके बारे में और उसके थ्रू ही पूरा राउट होगा तो सोलर सिस्टम अभी थोड़ा इको सिस्टम पर आते हैं कैसे होता है अभी जो मैनुफैक्चरिंग होता है सोलर का सोलर पैनल हो या छोटे छोटे चीज़ एक सोलर पैनल में बहुत छोटे छोटे चीज़ होता है तो सोलर सेल कुछ नहीं होता है सोलर सेल के बाहर छोटे छोटे रिबंस होता है उसके पीछे एक बैकशीट होता है सब चाइना मैनुफैक्चर करता है अभी भी कर रहा है इंडिया बाकी सब देश पीछे हैं उसके हम हालांकि थोड़ा हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं पर अभी भी हमें डेकेर्स लग जाएगा उसके ले, उसके लेवल पे पहुंचने के लिए एनी वे कमिंग बैक टू द क्वेश्चन तो उसके जो प्राइम इंग्रेडिएंट होता है सिलिकॉन वो जनरली माइंस जिस मा, जहाँ पर माइन होता है मेजरली साउथ अमेरिका में माइन होता है और कहीं के देशों में होता है चाइना ने सिली साउथ uh, अमेरिका के माइन खरीद के रख दिया है तो जैसे उसका uh, बाद में फ्यूचर में कहीं प्राइसिंग का इशू ना हो एंड दे आर डूइंग मल्टी बिलियन डॉलर्स डील विद दिस कंपनी जैसे उसका बैक एंड का सप्लाई चेन का इफेक्ट ना हो तो क्या होता है एक जब भी कोई इंडस्ट्री बनता है कोई कंपनी करता है बड़ी कंपनी जब बनता है जो बिलियन्स ऑफ डॉलर्स खर्च करके एक फैक्ट्री में तो क्या करता है एक वेंडर से लेता है उसका बैकअप लगता है चाइना ने ये सोच भी लिया है कि दस साल बाद ये बंदा मुझे मैनुफैक्चर करके आइटम भेजेगा उससे भी उसने बात करके अभी रख दिया है उसके साथ एक डील भी कर दिया है कि मैं चार साल तेरे से ही लूँगा भाई ऐसा भी होता है तो क्या हुआ है तो अभी स्ट्रक्चर क्या है चाइना मैनुफैक्चर करता है और बड़े छोटे छोटे डेज भी मैनुफैक्चर करते हैं वेस्ट में इंडिया भी मैनुफैक्चर करता है पर एक बात जान जानकर इंडिया जो मैनुफैक्चर करता है इंडिया में मैनुफैक्चरिंग हब बहुत कम है इंडिया असेंबली करता है उसके बाद मैनुफैक्चरिंग हो गया अब इसका क्या करो भाई मैं इसका ये तो मुझे कहीं पर बेचना होगा यहाँ पर आते हैं हमारे ऑफ्टिकर्स ऑफ्टेकर्स मतलब जो प्रोजेक्ट्स करते हैं तो आपने सुना होगा कि आ, इंडिया में सुना होगा कि ऑक्शंस होता है रिवर्स ऑक्शंस होता है वो क्या होता है गवर्नमेंट ने एक बड़ा लैंड ऑफर कर रखा है पहले स्टार्ट हुआ था राजस्थान से अभी पूरे इंडिया में फैल गया है आप मैप देख लीजिएगा सोलर मैप ऑफ इंडिया बहुत सब पूरा दिख जाएगा कहाँ पर क्या कितने इंस्टॉलेशंस हैं तो लैंड इज जनरली प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट बहुत बड़ा लैंड देते हैं 100 गीगा सॉरी 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट 200 मेगावाट का प्रोजेक्ट का फिर वो ऑक्शन पे आता है बाय अ मेजर ऑफ टेकर कॉल एन नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वो एन टी पी सी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हैविंग द हाइस्ट नंबर ऑफ सोलर प्रोजेक्ट्स इंस्टॉलेशन इन दिस कंट्री उसके थ्रू ही अगर रिन्यूएबल का भी जितना भी परसेंटेज है हमारा इलेक्ट्रिसिटी मिक्स में मेजरली इज़ बिकॉज ऑफ एन टी पी सी डेट हैज़ बिन ड्राइविंग दिस सोलर फोर्स इन दिस कंट्री तो uh, फिर क्या होता है तो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट बन गया उसका रिवर्स रिवर्स ऑप्शन हुआ अब आते हैं ईपीसी कंपनीज, ईपीसी कंपनीज क्या करते हैं उस लैंड पे वो सोलर पावर प्लांट बनाती है जैसे थर्मल पावर प्लांट बनता है वो भी एक सोलर पावर प्लांट बनता है ये सोलर पावर प्लांट अराउंड, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ़ द साइज ऑफ द सोलर प्लांट छः महीने से एक साल डेढ़ साल दो साल लग सकता है फिर वो आपके ग्रिड में कनेक्ट हो जाता है फिर हमारे घर में आता है तो ये था एक ओवरऑल तो आप समझ सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग का एक हब है मैन्युफैक्चरिंग चाइना में है इंडिया में है तो उसका एक छोटा सा इकोसिस्टम है।, है फिर आते हैं ई पी सी कंपनीज एंड ऑफ टेकर्स उनका एक छोटा सा इकोसिस्टम है फिर आते हैं डाउन स्ट्रीम में तो मैंने कहा था कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ ये तो हुआ आपका लार्ज स्केल रिटेल में समझ समझ लीजिए आपको अपने घर में लगाना है तो आप तो मैन्युफैक्चरिंग uh, कंपनी के पास नहीं जाओगे वो तो आपको एक सोलर मॉड्यूल नहीं देगा आप जाओगे डिस्ट्रीब्यूटर के पास डिस्ट्रीब्यूटर आपको एक मॉड्यूल देगा उसका भी एक इको है इंडिया में कि डिस्ट्रीब्यूटर जो मैनुफैक्चर से माल लेके आपको देगा तो आप समझ सकते हैं बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है आप मैनुफैक्चरिंग में भी जा सकते हैं आप ई में आ सकते हैं आप मैन ऑफ टेकर भी बन सकते हैं आप डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकते हैं Which for a person who is looking to start a business, I think the distributorship can be a good option for you. आपकी करियर में ऐसी कोई घटना ऐसी कोई घटी हो जो आपको एकदम याद आती हो जो आपको लगता है कि ये आप बताना चाहेंगे ये ऐसे भी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है या फिर ये चीज से लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं जो उनको एक कटिंग uh, एज या एडेड एडवांटेज या जिसे बोलते ये उनको एक मिलेगा तो अगर आप अपनी uh, कोई भी अगर एक्सपीरियंस हम सारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हैं जब मैं इंडस्ट्री में आया था तो आप समझते थे एक बंदा है जो आई से आया है उसको सोलर के बारे में मैं हूँ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर मैं आ गया हूँ इलेक्ट्रिसिटी फील्ड में आ, पहले दिन मुझे ले जाया गया फैक्ट्री में ठीक है फैक्ट्री मैंने देखे है सोलर पंप वो ऐसे ऐसे टर्म्स यूज़ कर रहे थे जो पहली बार मैं सुन रहा हूँ मतलब ठीक है कर्च ऑफ लॉ मुझे आता है पर वो कैसे क्यों होता है मुझे नहीं पता ठीक है पर मुझे बेचना था ये प्रोजेक्ट सो आई वॉज पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट मुझे Uh, ये बेचना था और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिस कंपनी के लिए मैं कर रहा था तभी इंडिया इंडियन कंपनीज में ट्राइंग टू तो एक्सपेंड आउटसाइड चाइना ने ऑलरेडी एक मार्केट बना रखा था माई चैलेंज और माई टीम आवर टीम्स चैलेंज वॉज टू क्रिएट अ मार्केट फॉर दैट कंपनी जो ई पी सी में भी थी एक मैन्युफैक्चरर भी थी एक ई पी सी में थी मेरा काम था ई पी सी का मार्केट बनाना उस कंपनी के लिए इन अ इंटरनेशनल डोमेन तो चाइना का एक चीज़ है लिटिल uh, टिडबिट इज़ इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रांग इन मैनुफैक्चरिंग बट इट इज़ नॉट दैट स्ट्रांग इन ई पी सी तो हमने सोचा पहले इफ़ यू वॉन्ट टू एंटर दिस न्यू मार्केट्स से आई नीड टू लुक एट वी नीड टू लुक एट कि कहाँ कहाँ पर चाइना मैनुफैक्चरिंग करके सप्लाई करती है पर उसका ई पी सी नहीं है तो so, जनरली क्या होता है आप जब कहीं जाते हो आपको एक सोलर प्रोजेक्ट लगाना आप क्या सोचोगे तो so, हमने देखा कि हमने एक फिर मैप बनाया कि इस फिर देखा हर देश का क्या पोटेंशियल है तो हमने एक यूरोप का बनाया एक साउथ ईस्ट एशिया का बनाया एक मिडल uh, ईस्ट का बनाया और एक साउथ अमेरिका बनाया और एक अफ्रीका का अलग से बना दिया तो देखा कि मिडिल ईस्ट एरिया में दे हैड ह्यूज पोटेंशियल पूरा डेजर्ट है वहाँ पे दे गेट द हाइस्ट इनोमिनेशन इन द वर्ल्ड पूरा डेजर्ट है वहाँ पे, पर उन वहाँ के देशों में उतना सोलर के बारे में ज्ञान नहीं है तो हमने मिडिल ईस्ट देखा हमने यूरोप ईस्टर्न यूरोप साइड के देखा कि वहाँ पे भी बन रहा है फिर आता है नॉ नौ, मिडली नॉर्थ नॉर्थ अफ्रीका जहाँ पे देश है इजिप्ट मोरक्को वो सब तो क्या हो रहा था इस टाइम पे तो आपको समझना पड़ेगा कि हम मैं जब इस इंडस्ट्री में घुसा सब नेशन स्टेज में था ओनली यू एस ए चाइना इंडिया हैट्स एंड यूरोप हैट सॉर्ट ऑफ पॉलिसीज गवर्निंग रिन्यूबल एनर्जी बाकी सब देश वैर उनको जगड़ा भाई ऐसा भी करके एक टेक्नोलॉजी आ रहा है जो हमें आगे लेके जाएगा तो हमने फोकस किया अच्छा हम यहाँ पे जाके पिच कर सकते हैं कि देखो भाई हम आपको मैन्युफैक्चरिंग भी दे रहे हैं मेरी कंपनी की बात कर रहा हूँ हम मैनुफैक्चर में आपको दे रहे हैं हम ई भी कर रहे हैं हम हैं ई हम आते हैं फ्रॉम द लैंड ऑफ एल फ्रॉम द लैंड ऑफ स्टर्लिंग विंसन फ्रॉम द लैंड ऑफ सापुर जी फ्रॉम द लैंड ऑफ टाटा हमें पता है कि प्रोजेक्ट्स कैसे कैसे बना है सोलर पैनल भी देंगे और हम चीप लेबर भी लेके आएंगे तो हमने क्या किया वी स्टार्टेड रीचिंग आउट टू दिस पीपल ज तो टू थिंग्स टू वेज तो सेल्स का मेन चीज है लीड एक लीड लाना तो मेरा काम था लीड से ले कर उसको फाइनल प्रोजेक्ट विनिंग और अगर एक ऑर्डर आता है वो वहाँ तक लेके जाना लीड्स कहीं तरह से आ सकते हैं सो टेन परसेंट इज द सक्सेस एवरेज सक्सेस रेट फॉर एनी सेल्स एंड सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफेशनल फॉर फॉर इन सोलर for an indian sales uh, person that is even lower, and for an international sales development guy from an indian company that is almost uh, very, very tough to say the least. so, uh, challenge was uh, Met a lot of, met a lot of people, met a lot of uh, companies, but the problem was, or an, uh, i'll say, opportunity for me was they had no idea about solar, zero idea about solar. so i got an opportunity to put the idea of solar,

कल्चर्स आई गॉट टू नो अबाउट डिफरेंट कल्चर्स आई गॉट टू नो हाउ शुड आई ट्वीक माई पिच में उनको कैसे बेचना है उनके कल्चरल के हिसाब से तो वो मुझे सीखने को मिला वेरी वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ आ बट एक चीज uh, मुझे uh, बहुत ही uh, अच्छा लगा और बहुत ही आई कैनोट फॉरगेट दैट एक्सपीरियंस तो uh, अबूधाबी में हर साल एक रीनूबल एनर्जी एक्सपो होता है विच इज़ कॉल्ड द वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट डब्ल्यू एफ ई एस बोलते हैं तो एक मॉड्यूल हम शोकेस कर रहे थे कंपनी का हमने वो मार्केटिंग के थ्रीम टीम के हेल्प से वो मॉड्यूल अबू धाबी भेजा फिर वहाँ पर गए देखा कि स्टॉल ठीक से बन रहा है पूरा कैसे लेआउट होगा कहाँ पर क्या रखना है एक फिश बोल भी हमने ही ख़रीदा कि वो वहाँ पर जाके अपना विजिटिंग कार्ड्स लोग डाल सके तो इट uh, वॉज़ तो वहाँ पर जाके हमें uh, पता चला कि यू में, में तो बहुत ज़्यादा मार्केट है भैया लोग देर पीपल वर कमिंग वहाँ पे क्या होता है आ, बहुत जो उनके घर होते हैं ना वो हमारा एक अपार्ट आ, पूरे अपार्टमेंट के वो एक घर बनाते हैं इतना पैसा है उन लोगों के पास पर उनका इलेक्ट्रिसिटी रेट भी बहुत कम है पर वहाँ पे पता चला कि दिन ब दिन उनका इलेक्ट्रिसिटी रेट्स बढ़ रहा है और वो लोग खुद आके पूछ रहे सर आ, ये सोलर के बारे में सुन रहे हैं और ये लोग तब चल रहा था कि सोलर इज़ द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी एट पॉइंट ऑफ टाइम क्योंकि इंडिया में तब दो रुपए में इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा था लोगों को इट्स अ सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम तो ये हेडलाइन करके आ गया था बहुत सारे इंडियन पेपर्स में और बाहर भी लोगों ने देखा था तो हैड दे आर इंडियन और वहाँ हमारे स्टॉल पे इंडियन का छाप भी था तो लोग आ रहे थे पूछ रहे थे आ, इज़ दिट इज़ इट ट्रू कि आप लोग दो रुपये मेले सोलर एनर्जी कर रहे हो तो हमें भी लगवाना है बताओ कैसे करना है तो ऐसे वो चार दिन का था बहुत कुछ पता चला एंड इट वॉज़ माई फर्स्ट फॉरन ट्रिप तो मज़ा भी आ रहा था देश के बाहर घूमने का और कस्टमर के साथ मेरा कस्टमर के साथ मिलने का क्योंकि मैं तो इंडिया में मेरा मार्केट है नहीं मैं तो बाहर का ही मार्केट देखता हूँ तो अपने मार्... मार्केट में जाके बात करने का बहुत ही सही एक्सपीरियंस रहा इन सारी चीजों से तो हमें ऑलरेडी बहुत सारी जानकारी मिल चुकी है कि सेक्टर कैसे काम करता है क्या इसकी ग्रोथ इकोसिस्टम क्या है पर अब सवाल आती है कि नए जॉब सीकर नए जॉब सीकर अगर यहाँ पे अपनी आपको एस्टेब्लिश कराना चाहते हैं क्योंकि एक बूमिंग सेक्टर है इसी का फ्यूचर है एक तरीके से अगर हम देखें तो इंडिया की टॉप पावर जनरेशन कंपनीज ना हो या फिर ऑटोमोटिव so, कंपनीज ये में आने के लिए एक नया अपॉर्चुनिटीज जो जो खोजना चाह, चाह रहा है या तो कोई एक्सपीरियंस है वो सेक्टर स्विच करना चाहता है तो so, इनके लिए आपको क्या एडवाइस रहेगी मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत जॉब्स है प्रोजेक्ट्स में भी बहुत, बहुत जॉब्स है और डिस्ट्रीब्यूटरशिप में भी बहुत जॉब्स है हर तरह के लोगों की, लोग की ज़रूरत है और हो सकती है और होगी भी गोइंग फॉरवर्ड रिन्यूएबल विल ड्राइव द रिक्वायरमेंट ऑफ इंजीनियर्स रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर्स रिक्वायरमेंट ऑफ से लेबरर्स इन दिस कंट्री बिकॉज फ्यूचर यही है तो uh, तो जब आते हैं मिनिमम रिक्वायरमेंट्स में तो अगर कोई फ्रेशर है तो मैं दो चीज आई विल डिवाइडेड इन टू टू वेज योर टेक्निकल नॉलेज रिक्वायरमेंट एंड मोर इम्पॉर्टेंटली योर बिहेवियोरियल रिक्वायरमेंट तो पहले टेक्निकल से बात शुरू करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल uh, इंजीनियर हो या कोई भी टेक्निकल इंजीनियरिंग फील्ड आपने किया है या डिप्लोमा भी किया है तो इलेक्ट्रिकल हो तो बेहतर है तो इफ़ यू वॉन्ट टू हैव अ जॉब इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इलेक्ट्रिकल इज वेरी हैविंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस इज़ वेरी गुड क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ हैं ये डायरेक्टली कैंपस uh, से रिक्रूट करती है और ऑफ ऑफ कैंपस ड्राइव भी होता है पर अभी हालांकि कंपनीज uh, इतना मैच्योर नहीं हुए हैं सोलर में और रीन्यूबल में तो वो ऑफ कैंपस ड्राइव कम होता है ये लोग प्रेफर करते हैं कि टॉप इंस्टीट्यूट्स में जाके डायरेक्टली वहाँ से फ्रेशर्स uh, ले लें uh, अगर आपको अप्लाई भी करना है तो आप उनके जॉब पोर्टल में जाके अप्लाई भी कर सकते हो पर ये ध्यान रखिएगा रिक्वायरमेंट्स ऑल द टाइम रहता है और रहेगा भी आगे जाके यही यही नॉर्मल बन रहा है इलेक्ट्रिसिटी वाइज अब आते मोर इम्पोर्टेंटली आपका बिहेवियरियल रिक्वायरमेंट का जो होता है तो आ, ये देखिए फ्रेशर जो हैं कंपनी भी जानती है का वर्क एक्सपीरियंस नहीं है आप जो बुक्स किताबों में पढ़ते हैं और जो रियल लाइफ में होता है उसमें हेल और हेवन का डिफरेंस होता है आप किताबों में कर्चर्स लॉ पढ़ रहे हो पर आपको वहाँ पे जाकर वो अप्लाई नहीं करना है क्योंकि वो ऑलरेडी सेटअप बना हुआ है वहाँ पे आपको जाके प्रैक्टिकली वो कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो आपको सिखाएंगे कैसे होता है तो बिहेवरियल वाइज यू एज अ फ्रेशर यू शुड ऑलवेज ट्राई टू लर्न आपका कोई आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि, कि पहले दिन आके आप हीरो बन जाओगे आपका एक्सपेक्टेशन है कि आप सीखो दो तीन साल सीखो Uh, जानो कि ये uh, कैसे चलता है मेरा ढाई साल अराउंड तीन साल का एक्सपीरियंस यह था जब मैंने एम किया फिर अपना कंपनी ज्वाइन किया था तो मैंने क्या किया मैंने बस सीखा uh, कोशिश कीजिए कि ओवरऑल पिक्चर आपको पता चले कि ये सिस्टम कैसे चल रहा है तो आपको पता चलेगा हाउ डू यू फिट इन दैट रोल और आपका काम क्या है और ये है, आपके सीनियर्स से बात कीजिए उनका काम उन बिकॉज दे आर मोर एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड उनको पता है कि आपका करियर प्रोग्रेशन कैसे होगा तो दे विल गाइड यू सो वन थिंग एटीट्यूड ऑलवेज़ हैव अ लर्निंग एटीट्यूड जो भी काम दे आप कर लीजिए सीख लीजिए अब अगर आप ये सोचोगे ये तो छोटा मोटा काम है ऐसा मत सोचिए जो भी काम है कर लीजिए आपको कुछ ना कुछ, ना कुछ ना सीखने को मिलेगा एटलीस्ट तो सीखने को मिलेगा बाद में जाकर आपको पता नहीं वही आपका काम आएगा कि अरे भाई ये तो मुझे पहले सीखना चाहिए था अगर आपको वो आपने सीखा नहीं है तो ऐटिट्यूड और, और एक चीज़ जब मैं बोलूँगा

को, कोई भी को बोलता हूँ कि आपका एटीट्यूड मैटर करता है और आपका कम्युनिकेशन स्किल मैटर करता है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी डीलिंग विद पीपल नॉट विद मशीन्स काम आपको एक बंदे से ही करवाना है या आपको काम लेना है उस बंदे से तो कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल तो अब आते हैं एक्सपीरियंस तो अगर आपको इंटरेस्ट है इस फील्ड में आने का तो देखिए रिन्यूएबल अलग सेक्टर है पर काम ऑलमोस्ट सेम ही होता है एक्सेप्ट द वर्क नेचर ऑफ वर्क डे डूइंग पर अगर आप अकाउंटेंट अकाउंटेंट है तो अल्टीमेटली ये कंपनी है आपको अकाउंटिंग ही करना है तो आपके अकाउंटिंग बेसिक्स आना चाहिए सिमिलरली जो भी आप काम कर रहे हो वो बेसिक्स आना चाहिए और आपका ये मैंटेलिटी आना है चाहिए कि मैं अपना जो स्किल्स है यहाँ पर कैसे अप्लाई कर सकूँ तो आप जब इंटरव्यू दोगे आपको क्वेश्चन uh, पूछेंगे क्योंकि रीनोबल्स में ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग हैं नहीं तो हम जब आते हैं बाहर से बाहर इंडस्ट्री से ही लोग आते हैं Uh, अगर रिलेवेंट सेक्टर्स की बात करें तो ऑटोमोबाइल इज़ द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माइंड ऑटोमोबाइल एंड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फिनांस के लिए तो ऑलवेज रोल्स होते हैं एनी uh, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो इवन बेटर एंड देन फॉर इंजीनियर फॉर इंजीनियर इफ यू वर्क फॉर से ई कंपनी फॉर एक्जाम्पल आपने शाहपुर जी में काम किया है या ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम किया है अगेन इट्स वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू की टी पी सी भी आप काम कर सकते हो और रही बात मैन्युफैक्चरिंग की तो अगर आपको प्लांट में इंटरेस्ट है आपके प्लांट आपने प्लांट में काम किया है इवन बेटर क्योंकि इंडिया में तो हालांकि अभी इंडिया मेक इन इंडिया प्रमोट कर रहा है और उसमें सोलर इज़ प्लेंग ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट तो आप वहाँ से भी आपका अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा आप देख सकते हैं आपको कॉल्स भी आ, हो सकता है कॉल्स भी आएंगे और ऑलरेडी आ चुके हैं आपने इंटरव्यू दिया भी होगा तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर अगर ये अगर मैंने जो ये अभी तक बोला ये बात नहीं कि अगर अगर किसी और सेक्टर से हो तब भी आपको नहीं मिलेगा सर कोई भाई मैं खुद आई का हूँ आई और सोलर में कोई लिंक आपका अपरेंट लिंक नहीं है पर है तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ मैं जिस कंपनी में काम करता था आ, वो एस यूज़ करता था अगेन एस ए पी एंड आई टी आपका लिंक बन गया तो अगर आपको एस ए पी आता है एस ए पी या कोई भी सॉफ्टवेयर ये कंपनी यूज़ करता है वो आता है तो आप यहाँ से वहाँ पे स्विच कर सकते हो तो बी स्विचिंग फॉर यू जस्ट नीड टू नो वट बेस्ट ऑफ एबिलिटी बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे इस वीडियो में इतना टाइम देने के लिए so, I just want to ask कि अगर आप अपनी कोई भी एडवाइस जो मैंने सवाल आपसे नहीं किया आज ये अगर आज हमारे दर्शकों को आप अगर देना चाहेंगे सो थैंक यू थैंक यू फॉर अगेन फॉर इन्वाइटिंग मी एंड आस्किंग दिस लवली क्वेश्चन और मुझे भी बहुत मज़ा आया uh, अगर एक टिप देना चाहूँ कि uh, कैसे आप सक्सेसफुल हो सकते हैं बोलूँगा बी ओपन एंड बी एडेप्टिव सिंपल और कुछ नहीं है तो फॉलो कीजिए फोकस डाइव एंड अनुपम इज यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब Uh, bringing uh, bringing people from different uh, diverse backgrounds and helping our new generation how to get into these markets. Uh, thank you so much and keep doing your best.